किशनगढ़ बस यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार ने हमारे साथ जो छलावा किया है सरलीकरण के नाम से, इन्होंने प्राइवेट बस ऐसे वो यूनियन को या अभी भी धोखा है, उन्होंने ये कहा टैक्स वृद्धि करके उनमें, और सारा का सारा बस मालिकों को गर्त की ओर धकेलने का ही काम किया है इन्होंने। कभी भी 2365 रुपये पहले लगते थे, उसके इन्होंने बढ़ा के 10,685 रुपये इन्होंने कर दिए, 622% टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया। जैसे इनको ऐसा लगता है कि सभी बस वाले एक ही डेली बहुत 10,000 रुपये कमा रहे हैं, जबकि स्लीपर वाले और बहुत कम ऐसे हैं। बाकी ये तो मध्यम वर्ग को लाने ले जाने, गांवों से लाने ले जाने वाली जो सेवाएं इन्होंने जो बंद करी है, उपनगरीय मार्ग जो बंद करा है इन्होंने, और उसके ऊपर जो अनियंत्रित, जिसको कहते हैं अनियंत्रित टैक्स बढ़ोतरी की है, जिससे बस मालिकों को भी बहुत नुकसान हुआ है, और अपनी बसें बंद करने के अलावा उनके पास कोई कारण नहीं है। हम ही हमारी सारे बसें आज IT ऑफिस में ले जाके वहीं इनको चामी संभला के कहेंगे भैया अब सरकार संभाले और आप संभालो, हमारे बस की ये बात नहीं रही है। कितने दिन तक जारी रहेगी आपकी ये? आज तो दो दिन के लिए करी है, और उसके बाद अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो 2 तारीख को राजस्थान, पूरे राजस्थान बस एसोसिएशन की एक मीटिंग है जयपुर में, वहाँ निर्णय लिया जाएगा कि अगर फिर भी इन्होंने टैक्स में कोई भी फेरबदल नहीं करी तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का आगे की मीटिंग से, ये जयपुर वाली मीटिंग से ये तय होगा। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि सरकार पूर्ववर्ती टैक्स हमारे पर रखे, उपनगरीय मार्ग वापस चालू करे, इनमें जो परमिट सीलिंग की है वो व्यवस्था हटावे, और इससे आम नागरिकों को बहुत फायदा, आसपास से आने वाले जो भी मजदूर वर्ग है, जैसे किशनगढ़ क्षेत्र में मार्बल एरिया इतना बड़ा है और आसपास के क्षेत्र से आने वाले तकरीबन 10,000 कर्म मजदूर डेली आते हैं, अब उनके ऊपर इतना भार पड़ेगा कि वो अपनी जो तनख्वाह वहाँ से मिलती है वो हमारे को किराए में दे देंगे। तो ऐसा काम मैं तो देखता हूँ सरकार बहुत ही गलत तरीके का उन्होंने निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है, हम सबका बस वालों का निवेदन है कि इस टैक्स को पूर्ववर्ती ही करा जाए और वो बस मालिकों को और आम जनता को राहत दी जाए। आपका नाम? मेरा नाम कमल साहू है और मैं किशनगढ़ बस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ।